नमस्ते, स्मिता वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुभस्मिता, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज 11:30 के आसपास हो गए, तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह तो जैसे नॉर्मल रूटीन चल रहा है कि सुबह रिशु का इंतजार करो, फिर 9 बजे रिशु उठता है, उसके बाद उसका खाना पीना। आज रिशु की तबीयत थोड़ी बहुत अच्छी है ऐसे, तो उसको हमने खाने में सिर्फ बॉयल्ड आलू ही दिया है, और बाकी वो ORS वगैरह और नारियल पानी ये सब पी रहा है। मैं भी बहुत दिक्कत कर रहा है इसी खाने के लिए, लेकिन आज पॉसिबल उसको जैसे तैसे करके हम उसको समझा रहे कि नहीं भाई तू नहीं खाएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा बोर आ रहा है। तो अभी उसके दोस्त यहाँ पे साई है, तो वो दोनों मिल के खेल लेते, फिर बोर हो गए। रिशु ही बोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मैं ऊपर ले आई। फिर उसको वहाँ पे क्या वो टीवी के उसका मतलब इंटरनेट वगैरह कनेक्शन था, उसके पसंदीदा सीरीज वगैरह सीरियल मतलब वो उसका जो शो देखता है ऐसे ब्लैड डिब्बी डायना रोमा, तो वो यहाँ पे वो नहीं है फैसिलिटीज, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बोर आ रहा है। तो अभी मैंने उसको लैपटॉप में लगा के दे दी, तो देख तो नहीं रहे लेकिन आवाज़ कान में आ रहा है, तो वो खुश है। तुम ठीक हो रिशु? ठीक हो? ओके, हाँ रिशु ठीक है। तो सुबह में मतलब बिस्तर भी मैं समेट के नहीं गई थी, उठने के बाद बिल्कुल नहीं होता, और तबीयत खराब होने के वजह से वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। ऐसे आस पास ही ऐसे सिर्फ उसके बन रह रही हूँ, क्या बोलते हैं ऐसे आस पास ही रह रही हूँ बस, और मम्मा रसोई कर रही है। तो आज मम्मा बना रही हूँ, मामा का स्पेशल ही है नारियल वाली परबल, तो आज वही बना रही है। चावल और भिंडी बनाएगी सूखी भाजी की जैसे, तो और कुछ नहीं। और रिशु तो बॉयल्ड आलू ही खाएगा, बॉयल्ड आलू और देंगे और एक बार, और उसको रॉ पपीता उसको भी बॉयल करके ही देंगे, और उसका तो वही खाना है ऐसे। वो बहुत बार मांग रहा है, इतना ख़राब लग रहा है ना सीरियसली, मुझे खुद को ऐसे मैं खाने के टाइम मुझे लग रहा है कि मैं खाना मैं खुद खाऊं या ना खाऊं। तो जैसे तैसे करके वो समझ रहा है, मतलब डरा धमका के भी कभी कभी समझाना पड़ रहा है। तो अच्छा, हाँ खाना खाना है, बाद में खाएंगे, अभी नहीं, अभी भी मांग रहा है। इट्स वेरी हार्ड, वैसे उसकी जो उम्र है ना उसके हिसाब से उसको मना कर पड़ने पे भी वो समझ नहीं पा रहा है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रही है। लेकिन क्या करें, ऐसे हो गया, और कि भगवान की तरफ से कल तक वो ठीक हो जाए बस। दोनों दोस्त हो गए, बस देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और मैं ये बिस्तर थोड़ा समेट लूँगी, तो दोनों को देखने देती हूँ बस, कि देख लिया। अभी उसको सारी चीज़ के लिए छूट है कि भाई ये तो कर ले तू, जो तेरा मन है वो कर, सिर्फ खाने के बारे में पूछा नहीं है और बाकी सब तू कर। चॉकलेट नहीं खाते रिशु, पेट दुख रहा है ना, चॉकलेट कैसे खाएगा, पेट दुख रहा है ना, चॉकलेट नहीं खानी है, डॉक्टर ने मना किया। ठीक है, कपकेक जब पेट ठीक हो जाएगा कपकेक दूंगी, सारी चीज़ दूंगी। ठीक है, ओके, यू आर गुड बॉय। हाँ डोनट भी दूंगी, ठीक है, साई भाई के लिए और तेरे लिए, ठीक है, वेलकम रिशु। देखो दोनों के दोनों देखो बैठ गए, पापा देखो नहीं, बंद कर लूंगी। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, हाँ उसको पता है, हाँ हाँ झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, हाँ भाव, हाँ हाँ आएगा आएगा, वाह बहुत ही बढ़िया, हाँ हाँ देखा, वाह खेलो खेलो आती, बहुत बढ़िया। मैंने बनाई पके चावल, परवल, नारियल परवल की सब्जी और भिंडी फ्राई, और ये सुबह दो आए थे, दो नहीं सुबह आए थे बड़े, मैं नहीं खाई थी रिशु के चक्कर में कि छुपा के नहीं खा पाई, तो अब भी मैं खा लूँगी इसको। रिशु आने से पहले रिशु बाहर खेल रहा है, मिशन है कि मैं जल्दी से खाना खाऊँ। कौन आया है, कौन है वो,
को कच्चा बादाम है, जिसे बोल दो कच्चा बादाम आया। कच्चा बादाम हो, आ जाओ। ये मामू आ गया। हाँ पानी ले ऋषु, मामू को बोल दे झुकेगा नहीं। मामू बोलो झुके। थोड़ा सा गेली गेली हो जाते हैं, थोड़ा सा गेली गेली हो जाते। ऋषु सोई बोल रहे, सो जाओ थोड़ा सा। नहीं सोना है ऋषु, सो के उठाए। चलो अभी नीचे चलते हैं, मम्मा चाय बनाई होगी अभी, तो हम जाके चाय पीते हैं। ऐसे ऋषु अभी उठ गया है, लगभग वो ठीक ही है अभी, तो अच्छा है कि वो ठीक है। बस वे आर गोइंग वर हेडिंग टू नीचे। ऋषु बोल मामू झुकेगा नहीं। मामू को काम को आ जाओ, रह जाओ आज, आज रह जाओ मेरे पास। मेरे पास नहीं, रह जाओ। मामा मामू नहीं रह रहा है, क्या करे ऋषु। सुन मामू का पेट दुख रहा था तो मामू गया है, डॉक्टर को दिखाएगा फिर आएगा, ठीक है। तो हम खेलते, हम लोग खेलते हैं, ठीक है। नहीं मामू के साथ ही खेलना है, मामू को जाना था ना डॉक्टर के पास ना। क्या खेल रहा है? तो कार खेलना है। कार तो अभी नहीं है, अभी झूला खेल सकते हैं। कार नहीं है अभी, सिर्फ झूला खेल के जाएंगे, ठीक है, बाद में जाएंगे कार खेलने के लिए, आज नहीं। थैंक यू बोलो मामा को। वेलकम ऋषु। थोड़ा झूला वूला उसको खेलने के लिए दिया, ऐसे अच्छा कि थोड़ा टाइम पास हो गया। अभी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, लेकिन उससे छुप के खाना पड़ेगा ऐसे। तो बाहर भी मतलब मांग रहा था खाना, भाई जैसे जैसे करके उसको समझाया कि नहीं खाना है उसे, तू जल घर कल खाएगा, जब ठीक हो जाएगा सारे चीज़ देंगे तुझे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा कंट्रोल कर। तो वो समझ के आया, इतना बहुत ज़्यादा समझदार है, सीरियसली बहुत ज़्यादा समझदार है। आया था तो उसके लिए फ्राई की थी, तो उसी को खा लेती हूँ। बोलो कौन कौन है? ये मामा के। मामा किधर गई? हेलो मामा, इता पापा, इता दीदी, इता मामा, इता ऋषु। हाँ इता हेलो मामा। ना जे लंबा वाला के देखते हैं, गोल वाला देखते हैं, बीमार कुछ भी क्यों बोला तुम? इता हेलो मामा, इता ऋषु, इता कौन? कौन? तो जरा मामा, ये मामा है, ये मामा है। कौन मामा है? कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ येलो मामा। हाँ ये जे जे है, ये बाबा है, ये ऋषु है। ऋषु ऋषु बिना खाए सकल गंदा हो गया, गुस्से वाला ऋषु फेस हो गया। ऋषु ने खाया नहीं है इसलिए ऋषु का फेस गुस्से वाला हो गया। घर बना रहे हो मेरे लिए? छोटा घर। मेरा छोटा सा घर, ठीक है बना दो, फिर सो जाएंगे, ठीक है। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। जैसे तैसे करके ऋषु को खिलाए, ऋषु की बहुत सारी डिमांड्स थी फूड आइटम में, लेकिन उसको हाँ देखो ऋषु मेरे लिए घर बना रहा है, और मैं भी वहां पे छुप छुप के खा ली मैंने। और इतना ज्यादा ऋषु मतलब दिन भर पास पास में मेरे पास ही रुक रहा है, ठीक है। तो मुझे ना मतलब थोड़ी बहुत बाथरूम जाने के लिए भी उसकी परमिशन लेनी पड़ रही है, फिर भी वो नहीं छोड़ रहा है, फिर मैं बाथरूम भी मेरे साथ ही जा रहा है। आज का कल भी वैसा कर रहा था, आज भी वैसा कर रहा है, और अभी भी उसको लग रहा है कि उसको डॉक्टर आ जाएंगे, उसको इंजेक्शन देंगे, फिर वो डर के मारे अभी ऊपर आ गया कि मम्मा चलो ये वाला बोल रहा है कि मम्मा ये चलो हम अपना घर चलते हैं। तो ये वाला रूम उसका घर है, तो इधर आके यहाँ पे कंफर्टेबली खेल रहा है। नीचे तो बहुत ज़्यादा डर रहा था, और कपड़े भी लेके आ गई। अभी से मैं कपड़े चूज करके वो वाले रूम पे रख दूंगी, नहीं तो सुबह क्या आवाज़ आएगी ऋषु को। तो यहाँ पे ना मतलब क्या काम सारे सॉर्टेड, जैसे वहाँ पे सारा काम खुद अकेले ही करना पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे हेल्प है तो ईजी है, बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा रेस्ट करने को मिलता है मुझे। तो सिर्फ सुबह के लिए मैं कपड़े रेडी करके रख लूँगी, कल क्या पहनना है। हाँ
तो बस वही करनी है और यीशु को, और एक उसका दिन है तो वो सुन लेगा तो फिर वो चिल्लाएगा अभी मुझे सोना। हाँ अभी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे सोना है, ठीक है। तो रीशु को नींद आ रही है तो आज का ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, हमेशा की तरह कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। हर 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 बोलो बोलो, नहीं तो ब्लॉग खत्म नहीं होगा। हर हर हमारे जय जगन्नाथ, बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, सिया बरे रामचंद्र की, बोलो की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो जय, भक्त वीर हनुमान की जय। नमस्ते, गुड नाइट, बाय।